हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। अभी इस समय तो मेरी साफ़ सफ़ाई क्लीनिंग चल रही है, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ बातें मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे अक्सर आपने अपने आसपास के लोगों को ये कहते सुना होगा, क्या यार टाइम पास ही नहीं होता है, टाइम पास ही नहीं होता है। तो एक्चुअली हमें टाइम पास करना नहीं है, हमें इस टाइम को जीना है। यानी कि जो हमें समय मिला है उस समय को पास करके बर्बाद नहीं करना है, उसको हमें फुल यूज़ करना है और पूरा उसे इंजॉय करना है। और टाइम पास करना, मैं कई बार यूँ सोचती हूँ कि टाइम एक्चुअली होता ही कहाँ है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास इतने सारे काम होते हैं कि अगर हम सारे दिन भी लगे रहें तो हमारे पास टाइम है ही नहीं जिसको हम पास करेंगे। जिस तरह से मैं अपने दिन को पूरा यूटिलाइज करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, और देखिए दोस्तों, ये कंप्लेंट करने की बजाय कि हमने जीवन में पाया ही क्या, हमारे पास है ही क्या, हम कर ही क्या सकते हैं, ये नेगेटिव थॉट्स माइंड में लाने की बजाय कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़ीरो से हीरो बनना है, तो वो एक दिन या बैठे बिठाए तो कतई नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक अपने कामों को नहीं करेंगे अच्छे से और उस चीज़ के पीछे हम लगे नहीं रहेंगे जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, तब तक हम उस चीज़ को पा नहीं पाएंगे। और उसको पाने के लिए हमें शिद्दत वाली मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आपका अपने जीवन में जो भी ध्येय है, जो भी उद्देश्य है, जो आप पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए सबसे पहले तो आप राइट कर लीजिए कि मुझे अपने इस लक्ष्य पर पहुँचना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी अड़चन आए, कितनी मुसीबतें आएँ, मुझे उस कार्य को करना ही करना है। तो आप देखिए, अगर आप उसको राइट करके अपने पास लिख के रख लेंगे, तब आप कहीं ना कहीं उसको करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए कहा जाता है, जैसे अगर हम बचपन में अपने जाएं, जब हम स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, तो हमें होमवर्क के लिए लिखवाया जाता था कि इसको नोट डाउन कर लो। यानी कि अगर हम उसे नोट डाउन कर लेंगे तो हम उसके लिए टाइम भी निकालेंगे और हमारे माइंड में वो चीज़ रहेगी कि हमने एक जगह उसे लिखा है और हमें उस काम को करना है। इसलिए लिखने की आदत भी इंसान में होनी चाहिए, सुनने की भी, लिखने की भी, समझने की भी। ये सब आदतों को हमें डेवलप करना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, तब हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाते हैं और कोशिश करते ही रहते हैं उसको पाने की। और जब हम किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो वो निश्चित तौर पर हमें मिलती है। जैसे ही बचपन में आप लोगों ने भी कभी सुना हो कि अगर पूरी इच्छा से, पूरे मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अगर भगवान को भी ढूंढेंगे तो वो भी मिल जाएंगे। तो इसी तरह से जब हम पूरी अपनी लक्ष्य को ढूंढने के लिए पूरी मेहनत लगा देंगे तो एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। घर के काफ़ी सारे काम निपटाकर मैं आ गई हूँ बाहर अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि कुछ शाम के टाइम की क्रेविंग को मैं अक्सर इग्नोर नहीं करती हूँ। मेरा मन करता है कि कुछ ना कुछ हम करते ही रहें, कुछ खाते पीते रहें, लाइफ को एंजॉय करें। यहाँ पर गाड़ी में एक बच्चा था, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से हाय हेलो कर रहा था, तो मैं भी उस चीज़ को भी खूब इंजॉय करी। और फिर हमने जो मन किया खाने का, जो मेरी बेटी को अच्छा लगता है, मैं अक्सर उसे वही खिलाती हूँ, कोशिश करती हूँ उसको वही दूँ। और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अभी इस सीज़न में पापड़ आ गए हैं मार्केट में, तो बने बनाए पापड़ मिल जाते हैं। मैं मोस्टली टाइम खरीद के ही लाती हूँ, मैं बनाती नहीं हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि हम दो ही लोग हैं और दो लोगों के लिए मैं क्या इतनी चीज़ें बनाऊँगी करूँगी, तो मैं मार्केट से ले आती हूँ। और टेस्टी भी होते हैं, अच्छे भी लगते हैं, और ये लोग बहुत अच्छे से इसे बनाते भी हैं। तो जितने आइटम मुझे लेने थे, लेना थोड़ा होता है, लेकिन जब बात करने लगते हैं, इतनी दूर तक चले जाते हैं, तो वो खुद ही थोड़ा सा ये भी ले लीजिए, थोड़ा सा वो भी ले लीजिए, ऐसे करते करते कुछ चीज़ें ज़्यादा खरीदी जाती हैं। और ये पापड़ क्या होता है ना, चावल वाले पापड़ मुझे पूरे साल नहीं मिलते हैं, ये होली के टाइम पर ही ये लोग बनाते हैं और तभी आ जाते हैं। तो थोड़े से वो ज़्यादा हो गए, अब घर आकर मैं इसको रखने के लिए स्पेस ढूंढ रही हूँ कि कहाँ रखूँ, तो एक कंटेनर मैंने खाली किया है। तो ये देखिए, ये है चावल के पापड़, थोड़े से स्पाइसी भी और ज़बरदस्त टेस्टी वाले हैं। तो अब मैं इनको कर दूंगी स्टोर, और स्टोर करने के बाद ऐसा तो है ही नहीं कि थोड़े से मैं फ्राई नहीं करूंगी, स्टोर किए फिर थोड़े से फ्राई किए, ताकि जो मेरी बेटी इतने दिनों से मुझसे कही जा रही थी कि मम्मी मुझे वो पापड़ दिला दो और वो खिला दो, तो उसकी वो इच्छा पूरी करनी मुझे बहुत ज़रूरी थी।